आज दिखाता हूँ मैं आपको अट्टा मार्केट। ये है नोएडा सेक्टर 18 में। देखिए किस तरह यहाँ पे शॉप्स लगती हैं, रेहड़ी लगती हैं, और यहाँ पे जो सामान मिलता है वो काफ़ी चीप रेट पे मिलता है। आप ये देखिए, यहाँ पे आपको ट्राउज़र से लेकर जो आपके सॉक्स वगैरह और आपके जो टोपी वगैरह जो चाहिए होंगी, आपको सर्दियों के कपड़े चाहिए, गर्मियों के कपड़े चाहिए, सब यहाँ पे बहुत सस्ते रेट में आपको मिल जाएगा। ये अट्टा मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देखिए आगे का मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। देखिए यहाँ पे जैकेट्स लगी हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज। देखिए यहाँ पे विजय मेहंदी के नाम से बोर्ड लगा है, यहाँ पे आप मेहंदी परचेज कर सकते हैं। मास्क भी उनके पास लगे हैं कलरफुल, तो वो भी आप इनके पास से ले सकते हैं। ये देखते रहिए, आपको काफ़ी तरह के यहाँ पर आइटम्स दिख जाएंगे। मतलब जो भी कपड़े आप सोचते हैं आपके दिमाग में, वो सब कुछ आपको यहाँ पे काफ़ी कम रेट पे मिल जाएगा। देखिए कड़े ही कड़े कॉस्मेटिक का सामान, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और ये देखिए सनग्लासेस और ये वॉच रखी हैं बहुत सारी, ये भी आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे का दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे आपको जीन्स मिल जाएंगी, ट्राउज़र्स मिल जाएंगे। ये ट्राउज़र काफ़ी कम रेट पे 200-200 रुपए के, 100-100 रुपए के यहाँ पे मिल रहे हैं। आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। अंडरगारमेंट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हैं। आगे आप ये देखिए साड़ी सूट, ये सब के बोर्ड लगे हुए हैं। मैं अभी आपको आवाज़ नहीं सुना रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा शोर रहता है और वो बुला रहे हैं 100-100 रुपये, 100-100 रुपये, 50-50 रुपये। मतलब इतनी यहाँ पे सेल इतनी ज़बरदस्त है। तो अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ सदर बाज़ार से, सदर बाज़ार में थोक में सामान मिलता है, तो वहाँ से अगर यहाँ कंपेयर करें, यहाँ रिटेल में सामान होता है और काफ़ी कम रेट पर। देखिए ये काफ़ी, ये 100-100 रुपये का आवाज़ लगा रहा है। 100-100 रुपये के शूज़ यहाँ पे मिल रहे थे, और ये देखिए चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, बैग ही बैग, तो काफ़ी सस्ते यहाँ पे आपको बैग मिल जाएंगे। 50-50, 100-100 रुपये के, 200 रुपये के मैक्सिमम। तो बहुत अच्छी है यहाँ पे बैग्स हैं। देखिए चूड़ियाँ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये देखिए यहाँ पे ट्राउज़र्स लगे हैं, बैग्स लगे हैं। आगे हम चल रहे हैं मार्केट में। देखिए यहाँ पे जूतियाँ और काफ़ी अच्छे सामान हैं यहाँ पे। देखिए आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का आ गया ये, और आगे चल रहे हैं। बच्चों के लिए भी यहाँ पे सामान अवेलेबल हैं, बच्चों के कपड़े भी आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए कितने अच्छे कपड़े हैं ये बच्चों के लिए, तो ये काफ़ी कम रेट पे यहाँ पे मिल रहे हैं। मार्केट में काफ़ी कॉस्टली आते हैं ये। और ये देखिए यहाँ पे ये सॉक्स वगैरह ये जितने भी हैं, यहाँ काफ़ी सस्ते मिलते हैं। और ये देखिए शूज़। अट्टा मार्केट जो है ये नोएडा सेक्टर 18 में पड़ता है और मेट्रो के जस्ट लगा हुआ है। यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको आगे चलना पड़ेगा। स्ट्रीट फूड के काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं, और यहाँ पे फास्ट फूड के लिए ये फेमस है। और हम आगे चल रहे हैं, यहाँ से अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो GIB भी बहुत पास में पड़ता है, और DLF मॉल जो है, जो इंडिया का बिगेस्ट मॉल होने का क्लेम करता है, वो भी काफ़ी पास में है, और वो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसा लगता है। और भी मतलब इसकी कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आप दिल्ली मेट्रो पकड़ सकते हैं। द्वारका की जो मेट्रो है वो अगर आप नोएडा सिटी सेंटर और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली मेट्रो पकड़ते हैं, तो वो आपको नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो पे उतरना है, और वहाँ से आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप शॉपिंग करने के लिए आप आ सकते हैं, क्योंकि GIB भी पास में है। GIB में आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मॉल कहलाता है GIP। और DLF मॉल की बात करी जाए तो भाई वो मॉल तो देखने में बहुत ही शानदार है। कभी मैं जाऊँगा DLF मॉल तो उसका अभी मैं आपको व्लॉग दिखाऊँगा। काफ़ी बहुत ही अच्छा मॉल है, अगर आप नहीं गए तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे कपड़े ही कपड़े, सामान ही सामान, सामान ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। और देखिए कितने काफ़ी कम रेट में मिल रहा है। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेने से पहले यहाँ से सेकेंड हैंड सामान मत ले आना भाई। यहाँ पे कुछ रेडी वाले से हो सकता है सेकेंड हैंड सामान देते हों, वैसे बोलते हैं ऐसा, मुझे नहीं पता, मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये आपको चेक करना चाहिए क्योंकि काफ़ी कम रेट पर यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों ये मेरा GIB मॉल के पास वाला जो अट्टा मार्केट का एरिया है, इसका व्लॉग बस अब यहीं समाप्त हो रहा है। मैं यहाँ से आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे जाइए, शॉपिंग कीजिए, यहाँ शॉपिंग करना बनता है। अगर आप NCR में रहते हैं भाई, अट्टा मार्केट जो नोएडा सेक्टर 18 में है, यहाँ आना तो बनता है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है पार्किंग यहाँ पर। खैर आप बाइक की कर सकते हैं आसपास, पर मैं सजेस्ट करूँगा पार्किंग में ही करें। थैंक यू।